कृष्ण, आज की चर्चा का विषय है कि सबसे दुर्लभ क्या है। इंटरेस्टिंग है ना। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो जैसा हमने समझे कि आज की चर्चा का विषय है सबसे दुर्लभ क्या है, तो भागवतम के 11 स्कंद में एक श्लोक आती है, कहते दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शनम। इसका मतलब क्या है? दुर्लभो मानसो देहो, ये जो मानुष शरीर मिला हमें वो बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। उसके बाद क्या है? देही नाम क्षण भंगुर। इसका मतलब क्या है कि ये मानस शरीर जो मिला हमें वो दुर्लभ तो है ही, लेकिन उससे भी ये शरीर क्षण भंगुर, मतलब बहुत तुरंत खत्म हो सकता, कभी भी खत्म हो सकता है, कुछ नहीं पता हमें। ये हमने कई बार देखते हैं एग्जाम्पल्स की, कई बार कहीं प्लेन क्रैश हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गई या अच्छा खासा बंदा चलता फिरता देह त्याग हो जाता है उसका। तो यह मानस शरीर बहुत दुर्लभ है और साथ में ये बहुत क्षण भंगुर है, मतलब तुरंत कभी भी खत्म हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि तत्रापि दुर्लभम मन्ने, इसके बाद भी कुछ दुर्लभ है, वो क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसका मतलब क्या कि जो व्यक्ति जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शरीर तो दुर्लभ है ही है और ये कभी भी जा सकती है, उसमें से दुर्लभ क्या है? भगवान के भक्तों का दर्शन मिलना। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के भक्तों का दर्शन, उनका संग हमेशा करना चाहिए। आगे जाके एक श्लोक और आती है, वहां पर बताया जाता है कि ये शरीर भी बड़े आसानी से मिल जाती है, लेकिन गुरु कृपा ना हो तो हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे। हरे कृष्ण।